The state BJP today lashed out at the opposition Congress for targeting the Pema Khandu-led government over the APBSC paper leak case. State BJP spokesperson Mahesh Chai said that while Chief Minister Pema Khandu has been running a tirade against corruption and the government is fully investigating the matter, the opposition Congress was blaming the government on the issue only derive political mileage. Which I further added that the government has already ordered a SIT probe into the incident. जो एग्जाम्स के एस्पायरेंस थे और उनके अभिभावक, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अरुणाचल सरकार इस पूरे एपिसोड के ऊपर तहे दिल से खेद जताता है. जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था. आपको अरुणाचल सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर पूरा कार्यवाही किया जाएगा. और हाल ही में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपना विजन को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसे आयरन हैंड से डील किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार अभी अरुणाचल में चल रहा है ये करप्शन के प्रति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लोगों ने अडॉप्ट करके रखा है और इसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलते हुए कड़ी कार्यवाही इस एपिसोड में जो भी कल्प्रिट से उनके ऊपर किया जा रहा है. The BJP leader also gave details of the arrest made so far and action taken in the case. पेपर लीकेज का मामला जो रिसेंट एपिसोड हुआ था ये 28 अगस्त को पुलिस के संज्ञान में लाया गया था कैपिटल पुलिस के. और उसके बाद कैपिटल पुलिस ने इसको एफआईआर को दर्ज करते हुए एक एंक्वायरी चलाया. 10 सितंबर को केस रजिस्टर किया और 11 सितंबर को कैपिटल पुलिस ने पहला अरेस्ट किया. इसमें दो व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, थॉमस गदुक और अखिलेश यादव. 15 तारीख को दूसरा अरेस्ट किया गया था, तामे सारो अरेस्ट हुआ था. 16 सितंबर को फिर दो अरेस्ट हुआ, ताकेत जेरंग और तान्या गादुक का. 22 सितंबर को दिलीप शाह को अरेस्ट किया गया. ये खुद ही दर्शाता है, ये खुद ही बताता है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेयरिंग नो वन हुएवर इज फाउंड इन्वॉल्व इन दिस करप्ट प्रैक्टिसेस. कैपिटल पुलिस के थ्रू से तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अंडर आईपीसी जो भी होता है उसको चला ही रहा है. इसके साथ ही साथ एक एसआईटी इंक्वायरी भी शुरू किया है और एसआईटी ने इस केस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर किया हुआ है. हाल ही के कैबिनेट में हमारा जो राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया जाए और उसका गठन किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसमें कमिश्नर लॉ और सेक्रेटरी एआर मेंबर होंगे. वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर उनका जो भी फाइंडिंग्स है वो राज्य सरकार को दे दिया जाएगा.